हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो ग्रीन। फ्रेंड्स, समर सीज़न ऑफ हो चुका है और रेनी सीज़न आ चुका है, तो छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके प्लांट और आपके बीच के रिलेशन को बहुत ही स्वीट बना देंगे। इसके लिए आप जो पुरानी सोयल है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से निकाल लीजिए और उसको निकाल करके इसके लिए आप बिना कोई टूल्स के आप हाथों से भी ये चीज़ को कर सकते हैं। और अगर सोयल हार्ड है तो आप इसकी गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। इसके जो रूट्स हैं, कुछ रूट्स कट जाते हैं तो कटना ठीक है, क्योंकि जब प्लांट्स के रूट्स कुछ कट जाएंगे, क्योंकि पॉट एक निश्चित दायरे में ही प्लांट को डेवलप होना होता है, तो रूट्स का एक बड़ा जाल जो कि ऑक्सीजन के लेवल को बिल्कुल क्लोज कर देता है। और फ्रेंड्स, चूँकि ये प्लांट मैंने कटिंग ग्रो प्लांट किया हुआ है, ये चांदनी का डबल पेटल प्लांट है, तो ये सीज़न शायद मैं इससे अच्छे फ्लावर ले पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करिए कि चूँकि ये रनिंग सीज़न है और इसमें प्लांट एक अच्छा टेकअप करेगा, तो अगर इस समय हम फुल रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट को 2 सप्ताह या 3 सप्ताह डेवलप होने में लग जाएंगे, और इसलिए हम नॉर्मल सॉफ्ट रिपोर्टिंग करेंगे जिससे प्लांट के डेवलप में कोई कमी ना रह जाए। और इसमें हम नॉर्मल सोयल को कुछ हिस्से निकाल करके इसमें, चूँकि मेरे पास काउडंग फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो फ्रेंड्स मैं भी चाहूँगा आप उस तरीके के कंपोस्ट का इस्तेमाल करें जो बड़े कम बजट में आपको उपलब्ध हो, जिसमें काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट से तैयार किया गया कंपोस्ट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और पॉट गार्डनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये। तो हम किसी हाई फाई प्रोफाइल सिस्टम को अपना करके एक ढेर सारा बड़ा बजट लगा करके कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में हमारी गार्डनिंग थकाऊ हो जाती है या बड़े बजट में चली जाती है, तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि किचन एक अच्छी और बड़ी ताकत है हमारे प्लांट्स के लिए, और उसी से हम अपनी गार्डनिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम काउडंग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आप धूप में बिल्कुल सुखा लीजिए, क्योंकि इस सीज़न में कहीं ना कहीं इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, और अगर उसी तरीके से आप अपने प्लांट में इसे ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम प्लांट्स में आएगी। तो इसके लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सुखा लीजिए और इसको ऐड करके जो पुरानी वाली सोयल है इसको ऊपर से हम ऐड कर देंगे। और कोशिश करिए फ्रेंड्स, चूँकि रेनी सीज़न है इसमें हम पॉट में ज़्यादा ऊपर एरिया नहीं बनाएंगे, ढेर सारा वाटर इसमें न सेव हो पाए, क्योंकि जहाँ समर सीज़न में वाटर प्लांट्स की ताकत है, वहीं पर रेनी सीजन में एक्स्ट्रा वाटर आपके प्लांट के रूट सिस्टम को ख़राब कर सकता है और छोटी सी लापरवाही से आप अपने प्लांट को खो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत सुंदर सा रिज़ल्ट देते हैं और आपकी खुशियाँ ढेर सारी आगे बढ़ती हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।